सारिम, ये ज़ायदा आंटी महा से क्यों मिलने आई थी? मुझे नहीं पता मीरा। I mean, अब ना ही उनका महा से कोई रिश्ता है और ना ही उनके बेटे का, तो फिर वो क्यों आई थी और उन्होंने किससे भेजा था? एंड अब आई गेस महा को तो तुम्हें ये बात बताने दी जाती। देखो मीरा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बेहतर होगा इस बारे में डिस्कशन ना करें। क्या हुआ? आपकी आपकी माँ से मुलाकात हुई? हाँ, सारिम की वजह से मुमकिन हुआ। अन्ना रियाज भाई ने तो साफ इनकार कर दिया था। तो फिर माँ ने क्या कहा? उसने तो इनकार कर दिया होगा। ठीक है, भला वो मुझसे क्यों मिलना चाहेगी? नहीं बेटा, हाँ पर इकरार भी नहीं किया उसने, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर आएगी। ज़ायदा आंटी महा से क्यों मिलने आई थी? आई मीन, अब ना ही उनका महा से कोई रिश्ता है और ना ही उनके बेटे का, तो फिर वो क्यों आई थी और उन्होंने किससे भेजा था? एंड अब आई गेस महा को तो तुम्हें ये बात बताने दी जाती। मुझे पता था महा नहीं मानेगी। वो भला खावर से क्यों मिलेगी? इस घर में उसके साथ जो सुलूक किया गया था, उसके बाद उसका यही फैसला होना चाहिए था। मैंने तो मां बेटे को कितना समझाया था, लेकिन तुम दोनों मेरी एक नहीं सुनी थी। मैं इस बात के लिए मां से माफी मांग चुकी हूं, और अब खावर भी अपनी गलती का इजाला करना चाहता है। बस अब पछताने का क्या फायदा ज़ायदा? वक्त गुजर जाता है तो हर बात बेअसर हो जाती है, और वैसे भी अब महा की सारिम से शादी हो चुकी है। तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे कोई फोर्स नहीं किया, मैं ये सब खावर की भलाई के लिए कर रही हूं। शायद इस तरह से उसकी मायूसी दूर हो जाए। शायद वो ठीक हो फोन क्यों क्यों कर रहा है? क्या हो? फोन अटेंड नहीं करे? नहीं बेटा, वो बिजी जा रहा है महा का फोन ना, शायद सारिम से बात कर रही होगी। मैं बाद में बात कर लूंगी। खबर बेटा, परेशान नहीं होते ना, मैं अपने सेल फोन से बात करूंगी तो वो मुझे मायूस नहीं करेगी। अरे सारे, तुम कब आए?
और तुमने चेंज भी नहीं किया। क्या मुझे महा से इस बारे में बात करनी चाहिए? सायदा आंटी उसके पास किस लिए आई थी? सारिम, क्या आज बहुत थक गए हो? किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। कुछ नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है, फिर हम चाय साथ में पीते। ठीक है। क्या बात है सारे? उस वक्त से देख रही हूँ इतने चुप चुप हो, कोई बात भी नहीं कर रहे। क्या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि ज़ायदा आंटी मुझसे मिलने क्यों आई थी? इसलिए कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा, तुमने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ के किया। थैंक यू सारे। एक्चुअली सायदा आंटी मुझे बताने आई थी कि खावर का एक्सीडेंट हो गया है और अपनी दोनों टांगों से माजूर हो चुका है। जो सलूक उसने मेरे साथ किया वो उस पर बहुत शर्मिंदा है, बस यही बताने आई थी। ये खावर वहाँ को फोन क्यों क्यों कर रहा है? क्या बात है सारिम, तुम्हें सायदा आंटी का यहाँ आना बुरा लगा है? आई डोंट नो मां, उन्हें असलन तो अब यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मैंने भी उनसे यही कहा था, अब वो यहाँ नहीं आएंगी। ठीक किया तुम। चाय? अच्छी बनी। थैंक यू। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे मिलना चाहता है, एक बार मिल लोगी तो उसे अच्छा लगेगा। हेलो महा। बेटा तुमने कहा था कि तुम सोच कर बताओगी, मगर मैं कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही हूँ, तुमने कोई फोन ही नहीं किया। आंटी आई एम सॉरी, मुझे ये सब कुछ मुनासिब नहीं लगता, मैं खावर से नहीं मिल सकती। आप प्लीज़ उसे मना कर दें, उसे समझा दें कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मजबूरी को, लेकिन तुम नहीं जानती खावर इस हादसे के बाद से बहुत मायूस हो गया। अगर एक बार तुम आकर उससे मिल लोगी, उसकी बात सुन लोगी, तो शायद उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। हेलो महा। बेटा तुम सुन रही हो ना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। अब ठीक है आंटी, मैं मिल लूंगी खावर से, लेकिन आंटी ये आखिरी बार है, मैं अब कभी दोबारा आपकी बातों में आके मजबूर नहीं होंगी। नहीं बेटा, मैं दोबारा कभी तुम्हें फोन नहीं करूंगी। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारे घर हमेशा आबाद रहो, बस एक बार आके खावर से मिलो। ठीक है आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल खावर को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना है, तुमने उसे बता दिया है ना? जी बता दिया,
आप भी सुबह जल्दी उठ जाइएगा। ठीक है। तुम इतनी रिलैक्स क्यों नजर आ रही है? दरअसल मेरी मां से बात हो गई। उसने कहा कि वो खावर से मिलने के लिए जरूर आएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। दुआ करो मां खावर को माफ कर दे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। मुझे तो आ रही नींद, मैं सोने लगा। प्लीज लाइट बंद कर देना। खावर मुझसे क्यों मिलना चाहता है? क्या बात करेगा वो मुझसे? अगर वो शर्मिंदा होकर पछता रहा है तो मैं उसे माफ कैसे कर सकती हूँ? वो सिर्फ मेरा गुनाहगार नहीं है, मेरे बच्चे का कातिल भी है वो। मुझे ज़ायदा आंटी को वादा नहीं करना चाहिए था। सारिम को पता चलेगा तो उसे बुरा भी लगेगा और वो दुखी भी हो जाएगा। मुझे ज़ायदा आंटी को मना कर देना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्या वो अभी तो यहीं बैठी हो, नाश्ता नहीं करना? अच्छा हाँ, शाम में हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, मैं जल्दी आ जाऊँ। मुझे याद है, पर तुम तो ऑफिस जाकर मत भूल जाना। भाई नहीं भूलूंगा, भूल गया तो रिमाइंड करवा देना। अभी चलो नाश्ता करें। हाँ माँ, माँ प्लीज़ देखो, मेरा फ़ोन मत बंद करना, मेरी बात सुन लो एक दफ़ा प्लीज़। देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। मैं वादा करता हूँ उसके बाद दोबारा नहीं बोलूँगा। मैं बिल्कुल तुम्हें तंग नहीं करूँगा। माँ माँ तुम सुन रही हो ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? खावर बेटा, तुमने नाश्ते के लिए क्यों मना कर दिया? भूख नहीं है। क्या बात है, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मां नहीं आएगी, नाराज हूं उनसे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरी खुद माँ से बात हुई है, उसने कहा था कि वो आएगी, और जब उसने कहा तो वो जरूर आएगी ना। तुम उदास मत हो, वो आएगी। मामा सच कह रही है, तो फिर माँ ने मेरी कॉल क्यों काटी? अच्छा मैं तुम्हारा नाश्ता यहीं भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता नहीं करूंगा।
ऐसा कीजिए, जूस का ग्लास, एक जूस का ग्लास भिजवा दें। नहीं बेटा, नाश्ता करोगे तो दवा भी तो लेनी होगी ना। मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। भी याद नहीं रहता कि बाहर लेके जाना, खुद ही कॉल कर लेती हूँ। ये सालम कहाँ चला गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा?